यहाँ ऐसे हम लोग मुर्गी को गर्म पानी दे छीलते हैं उसके जितने, देखिए नज़ारा हमारे गांव का व्यू। ये रहा निम्रो, हमारे ट्रेडिशनल यहाँ का साग। तो अभी इसको खाना है दोस्तों। हेलो व्हाट्सअप गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे रहेंगे। ये देखिए मेरा नाना, आज का ब्लॉग इनसे शुरू कर रहा हूँ मैं। तो दोस्तों ये मेरा डेली ब्लॉग है, मैं जा रहा हूँ ग्वाल घर में उनके। ये रहा मेरा पंजा, देखिए ये नया पंजा है। तो चलिए चलते हैं। देखिए कुछ ही देर पहले बारिश हुआ था यहाँ पे हमारे गांव में, देखिए भीगा हुआ है ये सब। आनंद के गोल घर में आ गया हूँ। देखिए बछड़ा प्यारा सा, उनका मम्मी जी। तो ये लेने के लिए आए थे दोस्तों गोबर। चलिए इसको भी अंदर रखना है, बाहर रख नहीं सकेंगे। अंदर जाना है, इसे गोबर को रखना है, तो इसको यहीं पर रखना है। देखिए पहले भी रखा हुआ था गोबर पहले से, ये सब खाद बना रहे हम लोग रख के। विलेज लाइफ देखा दूं आप लोगों को, तो इसलिए मैंने ये ब्लॉग शुरू किया यहीं से। तो आप लोग उसके लिए बने रहिएगा मेरे वीडियो में। तो दोस्तों आप लोग के साथ कुछ देर में मिलते हैं, तो आप लोग बने रहिए मेरे वीडियो में। इसका वक्त हो गया है, आज हमारे रेसिपी बनने वाला है। ये देखिए इधर देखिए, पेडी पेनी एक नंबर का झकुटी, बहुत ही बदमाश है ये, बदमाश है पेनी, बदमाश हो तो। और इधर देखिए पेडी, ये अच्छा वाला है बच्चा। देखिए ये गर्म पानी, देखिए हमारे यहाँ ऐसे हम लोग मुर्गी को गर्म पानी दे छीलते हैं उसके जितने भी पंख वगैरह जितने भी है उसे से निकालते हैं। ये साफ हो रहा है। तो दोस्तों देखिए ये साफ हो गया है, इसका जितने पंख है निकल गया है, निकाल लिया गया है। देखिए यहाँ पर रखा हुआ पंख, ऐसे हम साफ करके खाते हैं। देखिए हम लोग घर में ही मच्छाना पकड़ रखते हैं। देखिए इधर पंपक भी है, देखिए अभी पीस हो रहा है। क्या बनाओ सूप की? इसका सूप खाना है, ठंडा है, बारिश हो रहा है तो सूप खाने में मज़ा आएगा। लोकल मुर्गी हमारे यहाँ का। दोस्तों हो गया है, ये अभी पकाना है देखिए, और ये अभी रखना है, शाम को खाना है। चलिए फ्रिज में रखते हैं इसको, रख लिए है देखिए फ्रिज में है अभी। फ्रिज क्लोज। तो दोस्तों चलिए फिर किचन में हल्दी दे दिए, अभी देखिए नमक दे रही है। अभी इस कढ़ाई में जाने वाला है, देखिए फ्राई होने वाला है। तो दोस्तों तो देखते रहिए हमारे दार्जिलिंग विलेज लाइफ स्टाइल चिकन, हम लोग कैसे पका के खाते हैं वो भी लोकल मुर्गी का। दोस्तों तो आप लोगों को थोड़ा बाहर का दृश्य दिखा दूँ। कुछ ही देर पहले बारिश हुआ था, देखिए नज़ारा हमारे गांव का व्यू। सामने देखिए हिल, यहाँ देखिए कुछ ही देर पहले बारिश हुआ था। तो दोस्तों ठीक है, आप लोग से मिलते कुछ देर बाद। ये रहा निम्रो, हमारे ट्रेडिशनल यहाँ का साग, यहाँ पे ही पाया जाता है ये, देखिए। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग बने रहिए मेरे वीडियो में। देखिए मेरी बीवी निंगरो
इसको छान रही है। तो चलिए लीजिए, आप सभी का धन्यवाद मेरे वीडियो में बने रहने के लिए। इसको अभी फ्राई करके खाना है, बहुत ही अच्छा लगता है, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। ये मामा कति हो सर डल्ले खुर्सानी? देखिए सर डल्ले खुर्सानी दे रहा है, इतना तीखा खाता है ना मेरे बीवी की क्या बोलूं। प्याज गया कढ़ाई में, देखिए मुरे के लिए तैयारी हो रहा है, और इधर मांस के लिए ये है, और ये चिकन सूप बनाना है। इधर है चिकन, इधर है निंगरो, तो ये कढ़ाई में जाएगा निंगरो। निंगरो डाल दी, देखिए पक रहा है अभी निंगरो। यहाँ मसाला जाएगा चिकन का, डालिए जी मसाला को। देखिए ये गया प्याज, देखिए प्याज फ्राई हो चुका है, अभी अदरक और लहसुन कढ़ाई में डाला है। ये रहा कश्मीरी मिर्च, यहाँ देखिए दो प्रकार का मसाला है, ये जीरा, ये पांच फोरन भून के भुना हुआ है, ये पांच फोरन जीरा। अब इसको पीसने वाली है मेरी बीवी, चांद सा रोशन चेहरा देखिए फिर से मेरे बीवी का। दोस्तों देखिए यहाँ निंगरो भी पक चुका है, डल्ले खुर्सानी मैश कर दिया देखिए, और इधर चिकन पक रहा है देखिए। तो दोस्तों देखिए अभी पानी दे रही है क्योंकि इसका सूप बनाना है। देखिए ये क्या पानी कढ़ाई में, तो दोस्तों चिकन पक गया है देखिए, ये रहा चिकन रेडी सूप, लोकल चिकन। तो अभी इसको खाना है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए अभी हम इसको खाने वाले हैं, ये रहा तांबा का, ये भी हमारे यहाँ का ट्रेडिशनल खाना है। ये उस दिन वाइल्ड मशरूम के जो मेरा ब्लॉग है जो दिखाए थे उसी का, देखिए ये अचार। तो दोस्तों खाना चालू किया जाए, तो चलिए आप सभी आइए हम लोग मिलकर खाएंगे खाना। तो दोस्तों हो गया खाना देखिए, तो यहाँ देखिए आंसू है हमारे। तो दोस्तों आज का विलेज ब्लॉग यहीं तक है, तो दोस्तों ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।